हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं फिर अपनी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, डेट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये टेंस भी उतना ही ईजी है जितने कि हमने बाकी टेंसेस को करा है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊँगी जो आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी लाइफ टाइम तक, ठीक है। ये इतनी अच्छी ट्रिक रहेगी, आप ये ट्रिक ना चाह कर भी नहीं भूल सकते, चाह कर भी नहीं भूल सकते ये वाली ट्रिक का। आप इसमें देखिए, नाम से ये चीज़ क्लियर हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो काम हमारा बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। यानी जो काम, जो भी काम हो रहा है, खाना खाने का, पढ़ने का, कहीं जाने का, जो भी काम हो रहा है वे हमारा बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है, ठीक है। लेकिन वे चीज़ फिर भी हमारी प्रेजेंट में है, ठीक है। आप जब भी किसी चीज़ को ये कहते हो कि ये काम ना, मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, मैं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ कि आपको ये ट्रिक कैसे हेल्प करेगी इसकी वर्ब्स को याद रखने में। मान लीजिए आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है, कि ना आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो आप जब भी किसी को सिंबल, मतलब जेस्चर करते हो, तो आप कैसे करते हो, ऐसे करते हो कि तुम बहुत परफेक्ट लग रही हो, करते हो ऐसे। तो देखिए, इसे हमारी तीन उंगलियां खड़ी हो गई ना। इसका मतलब जहाँ पर भी परफेक्ट लग जाए, जिस भी टेंस के अंदर, चाहे वे हमारा पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वे हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा हम ऐसे करते हैं कि यू आर लुकिंग परफेक्ट, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। तो हमारी थ्री फिंगर्स है, तीन उंगलियां खड़ी हो गई। इसका मतलब जब भी परफेक्ट की बात की जाएगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सबसे पहली बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, ठीक है। तो आप वर्ब को कभी नहीं भूल सकते कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, कैसे करना है। इसमें वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। पास्ट में बस हैड लग जाएगा, प्रेजेंट में हैज हैव लग गया, और फ्यूचर में विल हैव लग जाएगा, शैल हैव लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इस टेंस का हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अगर हमें अपने कोई एक्सपीरियंसिस को बताना हो, ठीक है। एक्सपीरियंसिस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर मान लो हम कोई एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना, तो उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस। सेकंड में देखिए, मान लीजिए आपने कोई एक्शन अभी रिसेंटली करा है, मे बी 10 मिनट्स पहले, मे बी 15 मिनट्स पहले, या मे बी 20 मिनट्स पहले, मतलब आपने कोई भी काम रिसेंटली करा है, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। मैं आपको ये सभी पॉइंट एग्जांपल के साथ बिल्कुल अच्छे से कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बार आप यूजेस देख लीजिए इसको हम करते कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द दिस टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन विच वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि मतलब ये उन एक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है जो पास्ट में तो हुए है, लेकिन उसका अफेक्ट हमें प्रेजेंट में फील होता है, यानी जब हम बोल रहे हो उस चीज़ के बारे में तो हमें उसका अफेक्ट हमें फील होता है। मैं आपको उसका भी एग्जांपल देके समझाऊंगी, लेकिन आपको यूजेस समझ में आ गए, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको सभी के एग्जांपल के साथ एक एक चीज़, फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव टॉट English to many students in my career, ठीक है। इसमें आप timeline देखिए, past, present and future, कि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है अपने career में, लेकिन जो इसका करियर है, क्या वह करियर ख़त्म हो गया? अगर मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो जॉब है वह इंग्लिश का है मान लो पढ़ाने का, तो क्या मेरा करियर ख़त्म हो गया? यानी जो टाइम है वे हमारा कॉन्टिन्यूइंग है, टाइम हमारा ऑनगोइंग नेचर का, यानी कॉन्टिन्यूइंग नेचर का टाइम, ठीक है, ऑनगोइंग है टाइम हमारा, यानी टाइम हमारा यहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ, मेरा करियर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने अपने करियर में काफ़ी बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे पढ़ा नहीं रहा, आगे भी पढ़ा रही हूँ मैं,
यहाँ पर जो मेरा करियर है वे ऑन गोइंग है, यहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ करियर मेरा, यहाँ पर मेरा करियर स्टॉप नहीं हुआ, मेरा ये चल रहा है मेरा, यानी कॉन्टिन्यूइंग नेचर का टाइम है यहाँ पे, यानी तो ये चीज़ हमारी किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। आप नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, वी हैव सीन टू मूवीज दिस वीक। मान लीजिए मैंने दो मूवी देखी है इस हफ्ते, मैं दो मूवी देख चुकी हूँ, क्या ये जो हफ्ता है, क्या ये जो वीक है, क्या ये खत्म हो गया? यानी ये जो पूरा वीक दिस वीक लिखा है ना यहाँ पे, मैंने लास्ट वीक नहीं लिखा, मैंने लिखे दिस वीक। क्या जो ये वीक, मान लो मैंने मूवी मंडे को देखी है, तो क्या ये जो वीक है मेरा खत्म हो गया? मैंने मान लो मंडे को देख ली है मूवी, एक मैंने ट्यूसडे को देख ली मूवी, तो क्या मेरा ये जो वीक था वे खत्म हो गया? ये वाला हफ्ता जो चल रहा है खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये चीज़ भी। और लेकिन मैं मूवी देख भी चुकी हूँ, तो काम परफेक्टली हो भी चुका है, लेकिन ये चीज़ हमारी प्रेजेंट में भी आ रही है, तो ये चीज़ भी हमारी किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगी। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया यहाँ पर कि हाँ मैंने दो मूवी देख लिए इस हफ्ते। जहाँ भी जस्ट दिस इस तरह के वर्ड आ जाए जो प्रेजेंट नेचर को शो करे, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जब हमने कोई मान लो रिसेंटली कोई एक्शन परफॉर्म किया है। अब मैं आपको सेकंड यूज़ का एग्जांपल देके बताऊंगी। मान लीजिए आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, कर चुकी हूँ मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको कोई टाइम दिख रहा है कि मैंने अपना होमवर्क कब ख़त्म करा? कोई भी टाइम मेंशन नहीं है। मे बी मैंने 10 मिनट्स पहले ख़त्म करा हो, मे बी मैंने 20 मिनट्स पहले ख़त्म करा हो। यानी जब भी इस तरह के आपको सेंटेंस देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि वे काम रिसेंटली हुआ हुआ है। ठीक है, वे रिसेंटली काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वे चीज़ करे हुए, नहीं, वे काम अभी ही कुछ ही देर पहले किया हुआ है। यानी यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वे किस टाइम पर काम हुआ है, यहाँ पर मैटर ये करती है कि वे वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि वे हमारा काम कब हुआ, ठीक है, किस टाइम हुआ, नहीं, यहाँ पर हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देके सिर्फ इसी चीज़ पर अहमियत देते हैं कि वे काम हमारा डन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इसका एग्जांपल कि हुआ तो हमारा एक्शन पास्ट में है, लेकिन उसको फील हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, उसको हमने प्रेजेंट में क्यों इंक्लूड किया? अब मैं आपको ये वाली चीज़ बताने वाली हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव टेक इन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना खाना, अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। आप एक बात बताइए, उसने ब्रेकफास्ट पहले कर लिया, लेकिन क्या वे अभी उसको, क्या अभी उसको भूख लगी है, क्या वे अभी हंग्री है? यानी उसने खाना तो पहले खा लिया, लेकिन प्रेजेंट में अभी उसको कोई भूख नहीं लगी। तो यानी काम तो उसका पास्ट में हुआ, लेकिन उसको जो फील है वे प्रेजेंट, यानी उसको अभी हो रहा है जब वे बोल रही है उस चीज़ के बारे में कि उसे पूछा गया, मान लो कि क्या तुम हंगरी हो भी, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है, आर यू फीलिंग हंगरी नाउ? तो वे क्या कहेगी, नहीं मुझे अभी भूख नहीं लगी क्योंकि मैं अपना खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, तो यानी उसने खाना तो पास्ट में खाया, मतलब थोड़ी देर पहले उसने खाना खाया, बट उसको फील, उसको उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे अभी भूख नहीं लगी। यानी वे काम तो उसने पास्ट में किया, लेकिन उसको फील प्रेजेंट में भी हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रही थी? चलो, वेरी गुड। अब इस सेंटेंस को बनाने की फॉर्म क्या रहेगी, यानी हम इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा हैज़ या हैव लगेगा, देन या तो पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं या हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोथ आर सेम। समझ गए मेरी बात? अब भाई किस सब्जेक्ट के आगे क्या लगेगा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल ईजी है, आई यू वी
एंड दे, इनके साथ हम लगाएंगे हैव, ही शी एंड इट के साथ हम लगाएंगे, या फिर कोई भी नेम इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। क्लियर? मैं आपके ऊपर उसको ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई भी काम जब हम कहते हैं कि हाँ तूने बिल्कुल परफेक्ट किया, तो हमारी ये थ्री फिंगर्स खड़ी हो जाती है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके अंदर ऑलवेज। ठीक है, फर्स्ट बात हमारी ये, जब हम अपने कोई एक्सपीरियंसिस को बताए, ठीक है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसिस को बताए कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, तो ये चीज़ें हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है हमारा वे कंटिन्यूइंग है, एंड टाइम हमारा चल रहा है। अगर मैं अपने करियर के बारे में बता रही हूँ तो मेरा करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मेरा करियर अभी चल रहा है। ठीक है, जब हम अपने कोई एक्सपीरियंसिस को बताएं, कोई भी ऐसा काम जो रिसेंटली डन हुआ हो, जहाँ पर मैटर ये चीज़ करती है कि आपका काम हो चुका है, ना कि ये मैटर करना कि आपका काम कब हुआ। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मैटर करती है कि आपका जो काम है वे ख़त्म हो चुका है, ना कि ये चीज़ मैटर नहीं रखती इसके अंदर कि वे आपका काम कब ख़त्म हुआ। यहाँ पर टाइम पर फोकस ना कर काम पर फोकस किया जाता है कि वे काम आपका हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एंड द अनदर वन इज़, आपने वे काम किया तो पास्ट में है, लेकिन उसका आपको जो फीलिंग आ रही है वे आपको प्रेजेंट में आ रही है। मान लो आपने अपना होमवर्क कर लिया तो आप काफ़ी खुश हो, तो आपसे कहा गया कि आपने अपना होमवर्क कर लिया, आप खुश हो, तो आप कहोगे हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने अपना होमवर्क अभी तो किया थोड़ी देर पहले। यानी काम आपका थोड़ी देर पहले हुआ लेकिन उसको फीलिंग आपकी प्रेजेंट में आ रही है, तो वे चीज़ भी हमारी किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगी। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसकी प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आऊँगी, अगर किसी को कोई फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो फास्ट है तो मैं स्लो कर दूँगी, तो मैं फास्ट कर दूंगी, लेकिन आप बताइए ज़रूर आपको लग कैसा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो आप औरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।